हम गुजरात के डाकोर के बहुत ही फेमस पकोड़े बनाएंगे। बेसन के ये पकोड़े डाकोर में बहुत ही फेमस है और इसका प्रीमिक्स भी आपको मार्केट में रेडी मिलता है, लेकिन जब भी आपको इस तरह के पकोड़े खाने हो तो प्रीमिक्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उससे भी बेहतर पकोड़े घर पर बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं हितल, मेरे किचन में आपका स्वागत है। पकौड़े बनाने के लिए हमें एक कप फाइन बेसन लेना है, यानी कि हम घर पर जो चने का आटा इस्तेमाल करते हैं वो लेना है, और एक कप थोड़ा सा दरदर आटा लेना है। मेजरमेंट के लिए आप कोई भी कप या बाउल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ दोनों आटे सेम मात्रा में यानी कि सेम प्रपोर्शन के अंदर लेने हैं। सबसे पहले हम पकौड़े के अंदर डालने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। उसमें हम 8 से 10 साबुत काली मिर्च लेंगे। मिक्सर के छोटे वाले जार में आप इसे ग्राइंड करें। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लेंगे और 1 टीस्पून सौंफ लेंगे। इसे हमें बिना पानी डाले दरदरा पीस लेना है, इससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। 5 से 6 हरी मिर्च और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेंगे और बिना पानी डाले इसकी पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। अब हम बैटर तैयार करेंगे, तो एक बड़े से बाउल के अंदर हम दोनों आटा मिक्स कर लेंगे। चने का जो स्मूथ आटा है यानी कि बेसन, उसे पहले मैंने छान लिया था। अब इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे हम। सबसे पहले हमने जो साबुत मसालों को दरदरा पीस के रखा था वो डालेंगे, इससे ही पकोड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसे आप जरूर से डालें। नमक डाल देंगे, मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 मिर्च लाल पाउडर डालेंगे, हमने इसमें काली मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डालेंगे, तो उस हिसाब से आप लाल मिर्च डालें। 2 से 3 चम्मच इसके अंदर हम दही डालेंगे, दही डालना ज़रूरी है, इसकी वजह से हमारे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अभी यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और बिना मेथी डाले भी आप ये पकौड़े बना सकते हैं। अभी अदरक और हरी मिर्च की जो पेस्ट हमने तैयार की है वो डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर 3 चम्मच तेल डालेंगे, हम घर में जो नॉर्मल चम्मच इस्तेमाल करते हैं वो ही मैंने अभी ली है। इस तरह बैटर के अंदर तेल डालने से अगर आप ये पकौड़े ठंडे भी खा रहे हैं तो आपको वो ड्राई नहीं लगेंगे, उसमें मॉइस्चर बना रहेगा। चम्मच से हम पहले इसे मिला देंगे और फिर बाद में इसके अंदर पानी डालकर हम बैटर तैयार करेंगे। जैसे हम मेथी के पकौड़े बनाते हैं उसी तरह का बैटर हमें तैयार करना है। इस बैटर को हमें 15 से 20 मिनट के लिए रहने देना है ताकि बेसन का जो दरदरा आटा है वो अच्छी तरह से भीग जाए। इसमें हमें सोडा भी डालना होता है, लेकिन सोडा इस टाइम पर हम अभी नहीं डालेंगे। कई लोग इस तरह से जब बैटर तैयार करते हैं उसके अंदर ही सोडा डाल देते हैं। सोडा डालने से इसके अंदर प्रोसेस चालू हो जाती है और जब हम बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं तो सोडे का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो सोडा अभी नहीं डालना है। जब हम पकौड़े फ्राई करेंगे उसी टाइम पर हम इसके अंदर सोडा मिलाएंगे। अभी मैंने 1/2 कप पानी इस्तेमाल किया है। अब इसके अंदर हम खाने का सोडा यानी कि मीठा सोडा डालेंगे चुटकी भर और मिक्स कर लेंगे इसे। अभी बैटर की कंसिस्टेंसी पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है क्योंकि चने का जो दरदरा आटा है उसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब किया है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिलाकर बैटर को पतला करेंगे और उसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे। मैं अभी इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब पानी मिला रही हूँ। अगर आपके बैटर के अंदर ज़रूरत नहीं है पानी की तो आप ना मिलाएं। कई बार चने का दरदरा आटा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है तो बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से गाढ़ी हो जाती है, लेकिन अगर आपके बैटर के अंदर ज़रूरत नहीं है और बैटर पतला ही है तो आप पानी ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बैटर तैयार है, मैंने पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। तेल गर्म हो जाने पर गैस की आंच को हम मीडियम कर देंगे और पकौड़ा फ्राई करेंगे।
अभी यहाँ पर मैं सारे पकौड़े एक साथ बना रही हूँ, तो पूरे बैटर के अंदर मैंने सोडा मिला दिया था। लेकिन अगर आप कुछ पकौड़े थोड़ी देर के बाद बनाने वाले हो, तो जितने बैटर में से आप पकौड़े तैयार कर रहे हो उतने बैटर के अंदर ही आप सोडा डालें, नहीं तो सोडे का जो इफ़ेक्ट है वो चला जाएगा। जब पकौड़े हल्के से फ्राई हो जाए तब हम उसे पलट देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपका तेल जो है वो ठंडा हो गया है तो आधे मिनट के लिए आप गैस की फ्लेम को फास्ट कर दें और फिर से उसे मीडियम करें। तेल का जो टेम्परेचर है वो आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म होगा तो ऊपर का जो लेयर है वो क्रिस्पी होगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से वो पकेगा नहीं और कच्चा रह जाएगा। और अगर आपका तेल ज़्यादा ठंडा है तो पकौड़े के अंदर बहुत सारी मात्रा में तेल भर जाएगा। तो तेल का टेम्परेचर आप खास ख्याल करें। 3 से 4 मिनट में हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से आप चलाते रहे। इतनी क्वांटिटी में से आप 3 से 4 लोगों के लिए पकौड़े तैयार कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद अभी हमारे पकौड़े बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा उसका कलर आया है। इसी तरह से हम बाकी के पकौड़े भी तैयार कर लेंगे। अभी हमारे गर्मा गर्म बेसन के पकौड़े तैयार है, जिसे मैंने दही, पपाया का संभारा और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। मैं एक पकौड़ा आपको अंदर से तोड़ के बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कि वो कितना जालीदार बना है। तो इस तरह से आप बेसन के पकौड़े ज़रूर ट्राई करें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिर से मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ।